क्या क्या मिलने वाला है मैम खाने के लिए? थाली कोम्बो में मैडम आपको आज मिलेगा, आज हमारे पास एक प्लेन चावल है हमारा। अच्छा जी, राइस मिलने वाले? ये आ गया मैम हमारा कड़ी पकौड़ा। ओह क्या बात है, तो मैम सब्जियां चेंज करते हो? एवरीडे चेंज होती है, एवरीडे चेंज होती है। तो ये लेकिन राजमा और कड़ी तो सेम ही रहती होंगे? हाँ ये दाल है। अच्छा ये दाल, आगे जी हमारी मिक्स दाल है ये, तड़का। अच्छा, दाल। अच्छा जी, तो ये आलू बैंगन की सब्जी है आज। अच्छा एक सूखी होती है? हाँ, एक सूखी सब्जी एवरीडे मिलेगी और एवरीडे चेंज भी होती है, लेकिन कड़ी और राजमा जो है वो एवरीडे मिलेगा आपको। थोड़ा सा हो गया है जल्दबाजी में, मेरे को लग रहा है ताजे ताजे तो मेरे गाढ़े हो जाएंगे। ये गाढ़े हो जाएंगे अभी, क्योंकि जैसे सर्व करूंगे ना करते करते, क्योंकि राइस के साथ तो हल्का ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सीधा खाना है ये आप खुद बना के लाते हैं सुबह? हाँ जी। अच्छा आप सुबह कितने बजे उठना पड़ता होगा? 4 बजे उठ जाती है। अच्छा और कितने बजे आ जाती है यहाँ पर? मैं आ जाती हूँ मैम यहाँ पे 11:30-12 बजे तक आ जाती हूँ। अच्छा 11:30। पहले तो आप दोनों सिस्टर्स लगा रही ना जब आपने स्टार्टअप किया था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, सिस्टर लगा रही थी मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे। बट क्या है कि ये कोई काम ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर इससे अगर आपका सिर्फ दाना पानी चल रहा है ना तो वो एक ही कर सकता है, दो बंदे तो घर खराब नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि बिना कमाए घर का खर्च नहीं चलेगा। जब तक आपके पास अर्निंग नहीं है ना तो आप घर चला सकते हो, ना खुद का पेट भर सकते हो, ना परिवार का पेट भर सकते हो। पेट ही भरना एक जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी जरूरतें हैं घर में। घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बाकी और दुनिया भर के करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैडम छोटी बीच वाली बहन ने तो जॉब पकड़ लिया, अभी इसने बोला मैं तो सर्वाइव कर नहीं पाऊंगी इस तरीके से। अच्छा, तो आपने कंटिन्यू रखा है? मैंने कंटिन्यू रखा, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है भूखों को खाना खिलाना, बेचारों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। तो आपका लोग वेट भी करते होंगे, जैसे आप लेट हो जाते हो अगर की भाई आप दीदी आएगी नहीं हो, कहते हैं कंप्लेन करते हैं? हां बेचारे आधा आधा घंटा बैठे रहते, कभी कभी होता ना हमारे अंकल जी कभी कभी जाम में फंसा देते हैं हमारे को, कभी कभी लगता है जाम। अच्छा अच्छा, तो काफी एजुकेटेड भी लग रहे हैं आप, जैसे मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन करी है बात करी, तो अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी एजुकेशन पूछ सकती हूँ? मैडम अभी तो हम बिल्कुल अंगूठा टेक है जी। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि काम के अनुसार है ना इंसान की पर्सनैलिटी जज की जाती है आज के टाइम में। कहते हैं ना कि जो रोड पे काम कर रहा है यार बेकार आदमी है, गरीब आदमी है बेचारा, कम पढ़ा लिखा होगा, कुछ हुनर नहीं होगा इसलिए। लेकिन हम कहते हैं कि जिसके पास जो हुनर है, जो रुतबा है, लेकिन जो जो आता है, ऐसे नहीं करते क्योंकि आजकल तो ऑन रोड खड़े होने वाले इतने पढ़े लिखे लोग। मैं मानती हूँ आपकी बात, मानती हूँ, लेकिन है ना जो फेस करता है ना इंसान वो चीज, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग में क्या मतलब आपने क्या फेस किया, जो आपने लगवाना शुरू किया था जो आप दोनों सिस्टम में? मैम थोड़े चैलेंजेस, थोड़े नहीं बहुत चैलेंजेस आए। तो अब हम लगवाने वाले हैं थाली, और अपनी चॉइस की आप सब्जी में से 2 सब्जियां चूज कर सकते हो, और अगर खत्म हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिफिल करा सकते हो। मैम मना नहीं करने वाली है, बहुत खुले दिल की है। इवन अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे तो मैम फ्री में भी खिला देंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। हाँ तो भैया ये आ गया हमारा सादा राइस चावल है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि राइस क्यों बोल रही है, चावल बोलना। अरे अच्छा, लेकिन बड़ा मजा आता है यार, वो लोग अपना टाइम छोड़ के मुझे अपना टाइम देते ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये चावल है, ये आ गए हमारे सादा चावल, और ये आ गए भैया हमारी कड़ी पकौड़ी। लो जी, पकौड़े कौन से बनाते हैं आप? प्याज डलता है इसमें? नहीं मैम, मैं ये मेरा पूरा टोटल खाना है बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। अच्छा, बिना लहसुन प्याज? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं कि बिल्कुल, और मैं भी नहीं खाती हूँ, वैष्णव खाना है, मैं भी नहीं खाती हूँ, ये बिना लहसुन प्याज का खाना है। लेकिन लेना हो अगर आपको कहीं इस खाने में कमी लगे तो आप मुझे बताना, क्योंकि अभी तक तो किसी ने 2 साल से किसी ने कंप्लेंट की नहीं है मुझे। अच्छा 2 साल हो गए हैं? हाँ 2 साल से किसी ने कंप्लेंट की नहीं है कि दीदी खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है। सब्जी मैं आपको चारों दे देती हूँ, आप टेस्ट करके बताना मुझे। बिल्कुल जी बिल्कुल बताएंगे। तो रोटी कितने मिलेंगी हमें? रोटी मैडम 4 मिलेंगी, लेकिन अभी आपको 2 चाहिए 4 चाहिए वो आपको चॉइस है, है ना? ओके ठीक है। तो ये मैम ने चारों सब्जियां लगा दी है हमारे लिए ताकि हम चारों टेस्ट करके बता पाए, और अभी तो 2 ही लेंगे हम लोग। और तो ये पूरी थाली अब तैयार हो गई है, साथ में अचार भी मिलेगा क्या हमें? वही तो हमारी दुकान की जान है, अचार और चटनी। तो माँ के हाथ का जादू कैसे मिस कर लोगे आप, ये बताओ। सैलेड आ गई तो ये रियली में मेरी मम्मी ही बनाती है अचार, ये वाला अभी खत्म हो गया तो थोड़ा डब्बे में डाल के लेके आई, क्योंकि कस्टमर है ना जिद कर, नहीं अचार खिलाओ दीदी, ये लो ये मम्मी के हाथ का अचार खाते थे। हाँ अचार और चटनी हमारे यहाँ की, इसकी जो किंग है ना वो मेरी मम्मी है, अचार और चटनी मेरी मम्मी बनाती है। क्या बात है। तो ये थाली रेडी हो गई है, तो इस पर एक बार कॉस्ट बता दो, ये थाली की 2 सब्जियां अगर हम लेंगे तो? भैया 4 रोटी चावल 2 सब्जी रहेगा, 50 रुपीज कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको और सब्जी चाहिए तो 10-20 रुपए और दे देना, मन में आ जाने तो खा जाना दीदी की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थाली बिल्कुल तैयार है,
तो सब्जी हम लोग टेस्ट करने वाले, सूखी सब्जी आपको मिलने वाली है एक, तो चारों सब्जियां आपको नहीं मिलने वाली है। मेन बात यह है कि सब टेस्ट करने के लिए दीदी ने हमें दी है, बाकी ये है आलू बैंगन की सब्जी। बढ़िया है। और ये वाला अचार जो बहुत फेमस है, खट्टा खट्टा मिलने वाला है। सूखी सब्जी तो बहुत बढ़िया लगी, बाकी मिलने वाली है इसमें दाल। और अगर मैं रोटी की बात करूँ, रोटी का साइज काफी अच्छा है और पतली है, बिल्कुल घर जैसी है, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं। बढ़िया है यार, सब्जी में कोई कमी नहीं है। बाकी राजमा भी मिलने वाले हैं आपको, जो कि चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। राइस काफी अच्छे हैं, खिले खिले राइस हैं। राजमा मुझे नमक कम लग रहा, राजमा मुझे सोसो लगे, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो है कड़ी। आइए ट्राई करते हैं कि कड़ी कैसे होने वाली है। कोड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम ही टूट गया है। और यार बहुत टेस्टी है, खट्टी खट्टी कड़ी मिलने वाली है। तो बेसिकली थाली की बात करूँ, मुझे सबसे अच्छी जो सब्जी लगी वो लगी कड़ी, राजमा मुझे सोसो लगे, और जो सूखी सब्जी है वो भी काफ़ी टेस्टी है, और ये जो अचार है सुपर्ब है। मैम खाना तो बहुत टेस्टी है, पर चाय मिल जाती तो और अच्छा था। आप लोगों को यही है तो? क्या बात है, मतलब चाय भी मिल रही है हमें, क्योंकि ठंड हो रही है और रायता मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही रेयर ही लोग पीते होंगे ऐसे मौसम में। क्या बात है, चाय भी मिलती है यहाँ पर। जी मैम चाय भी है, क्योंकि कुछ लोग है ना गाढ़ा ज्यादा लग रहा है भैया, ज्यादा ठंड हो रही है। अच्छा, तो ऐसा है जिसको रायता नहीं पीना वो चाय भी पी सकता है। क्या बात है, बिल्कुल ताजी मिलने वाली है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल फ्रेश घर वाली चाय, जैसे घर वाला खाना है ना, घर वाली चाय, दुकान वाली नहीं, घर वाली। क्या बात है, तो मतलब आपको चाय भी मिलने वाली है अगर आपको रायता नहीं, क्योंकि ऐसी ठंड में यार रायता कौन ही पिएगा। जिसको अगर चाय नजर आ गई ना वो चाय ही पीने वाला है। बाकी मेरे को तो आ गया है मजा इस थाली को खा के, और मैं अब पीऊंगी आराम से अपनी गर्म गर्म चाय, डाइजेस्ट भी हो जाएगा मेरा सारा खाना। तो अगर इस थाली को टेस्ट करना है, जो कि मात्र 50 रुपये में घर जैसा खाना मिल रहा है नेहरू प्लेस में, और ये जो मेरे पीछे आपको दीदी नजर आ रही है दिल खोल के खाना खिला रही है, और ये जो गोल चक्कर बना हुआ है ना ये नया बना है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि नेहरू प्लेस में जो मार्केट है जिसे हब कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वहाँ पर ये आपको खाना मिल जाएगा, ये पेड़ के नीचे घर जैसा खाना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे कर दो, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।